Assalamu alaikum class 6, how are you all? So continue our topic on page number 84, Ashoka. Ashoka is the emperor in Mauryan Empire. So the most important Mauryan Empire is certainly one of the greatest was Ashoka. Mauryan Empire mein hamare paas aaye the rulers aaye the, but unme sabse zyada jo greatest person tha wo Ashoka tha, jo ki rule kar raha tha 269 to 232 BCE. At first he was like any other ruler fighting to increase his empire. First वो बाकी सब ruler की तरह था, normally जंगजू था, बहुत like fighting करता था कि अपनी जो empire है उसको increase कर सके. लेकिन क्या था कि after one great battle to conquer the state of Kalinga, he saw 10,000 soldiers lying dead and another 150,000 people made prisoner. क्या था कि एक दफा वो कलिंगा स्टेट को वो फतह जब उन्होंने फतह कर लिया, तो जब वो वहां पर मैदान में आ गए और देखा कि हजारों की तादाद में जो सिपाही थे वो मरे पड़े थे, और तकरीबन एक 150,000 में से जो लोग थे उनको वो कैदी बन चुके थे. This upset him and so much that he decided he would never go to war again and that his empire would be ruled by peace. इस जंग के बाद उन्होंने जब इस ये हालात देखे तो ये बहुत ज्यादा अपसेट हो गई अशोका, और डिसाइड कर लिया कि वो इसके बाद दोबारा कभी भी जंग में नहीं जाएंगे, ना जंग करेंगे, और अपनी जो एम्पायर है सल्तनत को वो अमन की तरह वो अमन के जरिए रूल करेगा. He become a Buddhist and ruled for the benefit of all the people. और ये इसके बाद अशोका जो थे ये बुद्धिस्ट बन गए और अपने और इस तरह से लोगों की भलाई के लिए वो रूल करने लगा, हुकूमत चलाने लगा. सो यहाँ पर कुछ अशोका के रिफॉर्म्स है. अशोका रिफॉर्म जो इस्लाहात उन्होंने किए थे, जो चीजें उन्होंने पहले जो देख रहा था उसको खत्म किया था. सो फर्स्ट वन ही एबॉलिश डेथ के कास्ट सिस्टम. क्या था कि फर्स्ट उन्होंने जो जात पात का सिस्टम जो था वो खत्म कर दिया कि ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, कोई भी सब सारे जो है वो इक्वल है, सबको इक्वल राइट्स ही मिलेंगे. सेकंड वन, दियर वर हॉस्पिटल फॉर पीपल एंड एनिमल्स, लोगों के लिए हॉस्पिटल्स बनाए और एनिमल्स के लिए भी. थर्ड वन, द हॉस्पिटल वॉज स्टेफ्ड बाय मॉन्क हु ग्रेव हर्ब्स बाय मेडिसिन. जो हॉस्पिटल थे उसको राहिब चला रहे थे, राहिब इस तरह से कि अपनी तमाम जो जिंदगी थी उन्होंने इसको इस फील्ड को इस हॉस्पिटल को दी थी कि हम यहाँ पर इस तरह से मेडिसिनल जड़ी बूटियां जो है वो हम यहाँ पर ग्रेव करेंगे और उससे लोगों का इलाज करेंगे. The fourth one, there were rest homes for old people. जो old people थे उनके लिए rest house, जो old है इस house होते हैं वो बनाए थे. The fifth one, the killing of wild animal was forbidden. जो wild animals थे जो जंगली इस तरह से उनकी नस्ल जो थी वो खत्म हो रही थी, तो इस वजह से उन्होंने इस पर पाबंदी लगा दी कि कोई भी इस तरह से जानवर को नहीं किल करेगा. Punishment were made less severe. जो पनिशमेंट अगर दी भी जाती थी इतनी दी जाती थी कि वो बहुत ज्यादा कम होती थी, बहुत कम शदीद होती थी, इतनी ज्यादा नहीं. लोगों को बहुत ज्यादा वो टाइम देते थे कि सुधर जाओ, ये काम ना करो, 3 दिन का वक्त देते थे इस तरह से. लेकिन क्या था कि पनिशमेंट को इस तरह से वो नहीं लेते थे. All religion were treated alike. और जो तमाम वहां पर और भी मजहब के लोग थे, इस वजह से तमाम मजहब के लोगों को वो इस तरह से एक जैसा ही समझते थे. ये नहीं था कि आप बुद्धिज्म है, आप बुद्धिस्ट है तो आप सही हो, आप मेरे हो, और जो बाकी है वो उनके साथ नाइंसाफ, सबके साथ इंसाफ के तौर पर काम लेते थे. यहाँ पर एक इन्फो है, बुद्धा नोबल एट फोल्ड पाथ, अगर आप ये पढ़ ले तो ये उनकी एट फोल्ड पाथ थी. अगर कोई बुद्धिस्ट बनना चाहता है तो पहले इन एट फोल्ड पाथ को फॉलो करेगा और देन वो बुद्धिस्ट बन जाएगा. सो नेक्स्ट पेज 85, एंड टू मेक श्योर द पीपल न्यू देयर व्हाट लॉज वर अशोका हेड देम curve on huge pillars and rocks throughout his empire. Ashoka laws were known as edict. जो यहाँ पर पिक्चर में आप लोग को अशोका एडिक्ट पिलर दिखाई दे रहे थे, ये इस तरह के पिलर्स हैं. अगर आप लोग नेट पे भी जाके देखें, इन पर इस तरह से उनकी रूल्स जो
होते हैं, लॉस होते हैं, वो नक्श किए गए हुए, लिखे गए होते हैं, और हर उसके तकरीबन हर जगह पर एम्पायर में उसके रॉक पर ये लिखे गए होते हैं, और ये उनके लाइक एक हुक्मनामे होते थे, और इन पर ये लिखा होता था कि कोई भी इस तरह से ये मेक श्योर करते थे कि सब लोग ये जान सके कि यहाँ पर ये लॉज है और ये रूल्स है, इनको फॉलो करेंगे. ऑफकोर्स ही डिड नॉट प्लीज एवरीवन. इस तरह से कोई भी पर्सन जो है वो तमाम लोगों को इस तरह से खुश नहीं रख सकता. कि कुछ जो लोग थे वो इस फैसले से खुश नहीं थे, क्योंकि इससे पहले जो आर्यंस थे उनमें कास्ट सिस्टम था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यास जो थे, इस तरह से जो लोग थे उनसे खुश नहीं थे. द हाई कास्ट हिंदू सच एज ब्राह्मण क्षत्रियास डिड नॉट लाइक देयर पावर बीइंग टेकन अवे व्हेन एवरीवन वाज सपोज टू बी इक्वल. क्योंकि वो इस तरह से इक्वलिटी पर वो खुश नहीं थे, क्योंकि वो समझते कि हम अच्छे हैं और बाकी तो निचले जात के हैं, ये हमारे साथ इनका क्या मुकाबला है. सो आफ्टर अशोका डेथ देयर वर इवन वीक मौर्यंस एम्परर एंड देन द ग्रेट एम्पायर कोलैप्स. क्या था कि अशोका के बाद और भी मौर्यन एम्परर आए थे, लेकिन वो उसकी तरह इतना स्ट्रांग एंड इस तरह से नहीं था, तो वो बहुत जल्दी उसका जो ग्रेट एम्पायर था वो खत्म हो गया. किस वजह से? हिंदूज ने उनको खत्म कर दिया और देयर कास्ट सिस्टम बेक इन पावर, और उनका जो अपना कास्ट सिस्टम था वो दोबारा से पावर में आ गया. सो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट द बुद्धिज्म और द अर्ली किंगडम्स, मौर्यंस एंड अशोका रिफॉर्म. सो इस तरह से जो सब कॉन्टिनेंट में था बुद्धिज्म उस तरह से फैल गया, फिर फैल कर चाइना जापान तक पहुंच गया. सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन इन दिस चैप्टर regarding this lecture, any type of question you can ask in the comment section, and thank you so much.